Masha'Allah. नमस्ते दोस्तों, आई के स्टडीज सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेल के बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एमएस एक्सेल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक ओपन करें। उसके बाद वर्कबुक ओपन हो जाएगी। यहाँ आप जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह पहली शीट हमारी वर्कबुक की है। हम और भी शीट जोड़ सकते हैं। प्लस के साइन को दबाते जाइए और शीट ऐड करते जाइए। इससे आप अलग अलग कार्य अलग अलग शीट पर सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता होगा कि सेल क्या होता है। ये जो आपको शीट पर छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, इन डिब्बों को ही सेल कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि कॉलम क्या होता है। यह जो ऊपर से नीचे की तरफ डिब्बे हैं, इनको ही कॉलम कहा जाता है। जैसे डी कॉलम के नीचे जो रेखा बन रही वो ही सारे सेल डी कॉलम में आएंगे। उसके बाद प्रश्न आता है कि रो क्या होती है। यह जो लेफ्ट यानी बाई ओर से राइट यानी दाई ओर की तरफ डिब्बे हैं, इनको ही रो कहा जाता है। जैसे पांचवी रो पे जो रेखा बन रही है उसमें सारे सेल पांचवी रो में आएंगे। आप इनको कलर्स के माध्यम से रो और कॉलम को आसानी से समझ सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यह डिब्बा नजर आ रहा है, यह है नेम बॉक्स। यहाँ आपने जो भी सेल सेलेक्ट कर रखा है उस सेल का नाम आपको इसी डिब्बे में नजर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने जी कॉलम और 13 रो के सेल को सेलेक्ट करा, वैसे ही नेम बॉक्स में जी 13 नाम हमें दिखने लगा। उसके बाद आपको एक और डिब्बा नजर आ रहा होगा, यह फॉर्मूला बार है। यहाँ आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे जमा गुना आदि। उसके बाद सबसे ऊपर आपको होम लिखा नजर आ रहा होगा, यह होम मेन्यू है। यहाँ आप विभिन्न तरह के टूल्स यूज करके अपनी एक्सेल शीट को और ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। अगर आपको होम मेन्यू को सीखना है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको और ऑप्शन दिखेंगे, जैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। अगर आपको ये ऑप्शन सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सेल से जुड़ी HD वीडियोस फ्री में देखें। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि रेंज क्या है। एक साथ कई सेल सेलेक्ट करने को ही रेंज कहा जाता है। जैसे अगर हमें एक साथ कई संख्या जोड़नी है तो हम फॉर्मूला लगा के रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि कट कैसे करें। डाटा सेलेक्ट कर माउस से राइट क्लिक कर कट पर क्लिक कर दे, डाटा कट हो जाएगा। और जहां पर भी कर्सर रखें और राइट क्लिक कर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो डाटा वही पेस्ट हो जाएगा। उसी प्रक्रिया द्वारा आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद डाटा डिलीट कैसे करते हैं। जितना डाटा डिलीट करना है रेंज सेलेक्ट करे और राइट क्लिक कर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दे, डाटा डिलीट हो जाएगा। वैसे कट कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन होम मेन्यू में भी मौजूद है और एक्सेल में और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस करें जिससे आपको बेसिक ऑप्शन याद हो जाएंगे। अगर आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आईके स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में।